तो दोस्तों मेरा जो तरीका होगा सबसे यूनिक होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट। तो फाइनली दोस्तों मैंने ये पैटर्न कट, एक कह सकते हैं पैटर्न, देख सकते हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा बनकर तैयार। May I come in? और आप देख रहे हैं ऑल द थिंग टेक। दोस्तों लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने अपनी बाइक पल्सर 150 का जो हैंडमेड फ्लैप कवर बनाया था उसका मैंने पैटर्न आपको कट करके दिखाया था, और आज की वीडियो में आप लोगों को अपने उस फ्लैप कवर को कंप्लीट बना करके दिखाने वाला हूँ। ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस पर अपने फ्यूल टैंक पर और इस काउल पर इस तरह से टेप लगा लेंगे ताकि कोई स्क्रैच वगैरह अपने पेट्रोल टैंक पर ना आए और ना ही इस काउल पर आए। ओके दोस्तों देखिए ये है गैस बर्नर। ओके और ये हमारा वो पैटर्न था जिसको मैंने इस तरीके से इसे गर्म कर करके फोल्ड कर लिया है। देख सकते हैं आप, ये निशान में लगाया था, निशान के ऊपर ये मोल्ड किया है, इस तरीके से इसको मोल्ड कर लिया है। ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है, कहीं कुछ कोई दिक्कत आएगी तो इजीली हो भी जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये मैंने मोल्ड कर लिया है, बोल तो बैंड कर लिया है। ओके ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से मैंने इसको बैंड कर लिया। इसको जो मैंने बैंड किया है दोस्तों उसकी सेटिंग मुझे इसके हिसाब से करनी है। ये देखें इस तरीके से, इस तरीके तो कहीं कहीं थोड़ा सा गैप रह जाता है, उस गैप को बराबर करने के लिए एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा और बैंड करूँगा। उसके लिए मुझे इसे गर्म करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ये देख सकते हैं मैंने बर्नर जला लिया है। ओके ये जो ईंटें मैंने रखी हैं दोस्तों ताकि इसका ये एक लेवल है, इससे ज़्यादा अगर मैं डाउन जाऊँगा तो हो सकता है इससे जलने का निशान आ जाए। दोस्तों ये ऐसी प्लास्टिक है जो मतलब ऐसी प्लास्टिक की सीट है जो फेविक्विक से चिपक नहीं रही थी, मैंने बहुत कोशिश किया बहुत चिपक नहीं रही थी, तो चिपकाना तो मुझे था ही, तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला वो सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों लगभग ये सेट हो गया, अब हम इसको थोड़ा थोड़ा दबाते हुए इसको कर लेंगे, चिपका लेंगे। ओके कुछ चिपकाने के लिए मैं जिसका यूज करने वाला हूँ वो देख सकते हैं, ये बेकिंग सोडा है दोस्तों और ये है फेविक्विक, इसकी हेल्प से मैं इसको चिपकाने वाला हूँ। बिल्कुल इसको 90 डिग्री के एंगल पे मेरे को इसको पेस्ट करना है, इस तरीके से बिल्कुल सीधा खड़ा करके। ये निशान लगा रखा है मैंने, मैं पहले यहाँ लगा लेता हूँ। शायद ये चिपका नहीं है, नहीं चिपका है। इसको हम थोड़ा सा रफ कर लेंगे, और रफ किससे करेंगे, सैंड, इससे ये थोड़ा सा क्या होगा इसका इसमें खुरदरापन आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं फिर से। इस तरह से दोस्तों हम इसकी किनारी पे बेकिंग सोडा कर लेंगे और ये यहाँ थोड़ा थोड़ा इसको देख सकते हैं दोस्तों ये चिपक गया है। अब ठीक इसी तरीके से ये देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा एज किनारा ले लिया है। ओके और इस पर भी मैं बेकिंग सोडा यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन इधर जो हम यूज़ करेंगे दोस्तों इधर बिल्कुल सफाई से यूज़ करना है हमें। दोस्तों इसके बाद इसकी जो पकड़ होगी वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से अब हम इसे थोड़ा थोड़ा चिपकाते जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये बिल्कुल वेल्डिंग का हिसाब किताब हो गया, जैसे प्लास्टिक वेल्डिंग का हिसाब किताब हो जाता है उस तरीके से हो गया है। अब मैं इधर से इस पे एक पतली लेयर मार के इसको डबल साइडेड वो कर दूंगा। सोच सोच के ही परेशान हो रहा था कि मैं इसको चिपका नहीं पाया, तो सारी मेहनत मेरी मिट्टी में मिल जाएगी,
और फाइनली मुझे तरीका मिल गया। बाकी इसकी शेड जो है दोस्तों हम रबिंग के टाइम पे एकदम फिनिश कर लेंगे इसको। अब हम इसकी जो इस साइड का हिस्सा है वो हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे। शुरू करता हूँ मैं। सॉरी दोस्तों, मुझे इसकी ये एज है, ये बिल्कुल सीधी है, इसको थोड़ा सा इस तरह से डाउन करके रब करना है, तभी एक्चुअली ये इस तरह से हो पाएगा। ओके, इससे मैं इसकी एज को इस तरह से पकड़ के ये हो गया दोस्तों। कैमरे में इतना आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा कैसे दिखाऊं मैं आपको, हल्का सा इसको डाउन रखा है, तिरछा इसका लेवल जाएगा वो इस तरीके से है, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा डाउन जाए। चलिए अब हम इसको चिपकाने का काम शुरू करते हैं। अब हम उस साइड से भी इसमें अपना बेकिंग सोडा भर के इसको चिपका लेते हैं। इसमें देख सकते हैं आप गैप आया हुआ थोड़ा सा, तो गैप से इसमें पकड़ आ जाएगी। इतना हो गया दोस्तों, है ना, ये अपना पेस्ट हो गया है। ये पेस्ट, ये दोस्तों ये है वो लॉक पॉइंट, मैंने कुछ इस तरीके से बनाया इसको, वो उसी तरीके से मतलब मोड़ गर्म करके और इसको बैंड कर दिया है, और ये उसके हिसाब से मैंने कट कर लिया इसको, मैं यहाँ इस तरीके से चिपकाऊंगा। तो दोस्तों जो मैंने ये लॉक का पॉइंट बनाया था वो मैंने देखिए यहाँ पे इसके साथ में अटैच कर दिया है। ओके, अब मैं इसके बेस के हिसाब से अपना ये फ्लैप कवर इस पर चिपका देता हूँ। ये मैंने इस पर देखिए डबल टेप लगा दी है, ये टैंक के ऊपर आएगा और इसका जो फोल्ड वाला हिस्सा है वो इस तरीके से आएगा। तो चलिए दोस्तों मैं दिखा देता हूँ आपको इसके ऊपर ये टेस्ट करके। तो जैसा कि मैंने दिखाया आपको, इस पर डबल टेप है, तो सबसे पहले इसकी डबल टेप की है मुकाबले में, एक दो और ये तीन। ओके, अब हम इसके मैंने ये सारे पेस्ट उतार लिए, इस तरीके से पेस्ट करना। दोस्तों मैंने इसका ये लॉक भी चिपका लिया है और घिसाई भी कर दी है कटिंग करके। ओके, देख सकते हो, और अंदर से भी मैंने इसमें पेस्ट कर लिया अंदर से। अब आया अपना ये वाला राउंड इसको पेस्ट करने का। मैंने इससे पहले भी ये बना रखा है, ये मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ, जो बनाया हुआ है वो दोस्तों ये है, देख सकते हैं, ये मैं बना रखा ऑलरेडी, इसमें ये लगा हुआ है, ये दूसरी साइड का है। सारी पूरा कर लेते हैं 100%। अब हमें क्या करना है दोस्तों, एक पतली सी लेयर इसके अंदर भी डालते हुए हमें इसको पेस्ट कर देना है। ओके, फाइनली दोस्तों हमारा ये अब लगभग बन के कंप्लीट हो चुका। तो आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे का प्रोसेस मैं आप लोग को अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इस अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा प्रोसेस इंस्टॉलेशन का आपको दिखाऊंगा। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मुझे ये वीडियो यहीं तक बनानी। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देख पाएं। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।